प्रकृति के हिसाब से कोई भी जीव जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। मगर प्राचीन काल से ही हम मनुष्य अमर होने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लग पाया है। पर आज मैं आपको 5 ऐसे जीवों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लगभग इमॉर्टल यानी कि अमर है, यानी कि उनकी मौत कभी भी बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, लॉबस्टर। लॉबस्टर की एज की कोई लिमिट नहीं होती। ये उम्र के साथ कभी भी बूढ़े नहीं होते, बल्कि इनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनकी मौत की वजह आमतौर पर सिर्फ बीमारियां ही होती है। एक नॉर्मल एनिमल सेल में डीएनए के सिरे एक स्पेशल शेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसे टेलोमेयर कहते हैं। सेल के डिवाइड होने पर ये टेलोमेयर छोटे हो जाते हैं और इसी वजह से सेल्स नए सेल्स नहीं बना पाते और शरीर बूढ़ा होने लगता है। लेकिन लॉबस्टर में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जो कि डीएनए के सिरे को बचाकर सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। इसी वजह से लॉबस्टर हमेशा के लिए यंग बना रह सकता है। दूसरा, दी वेटाबग। वेटाबग ज्यादातर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। इसकी लगभग 70 स्पीशीज है, जिसमें से ये सबसे कॉमन है। ये दिखने में बिल्कुल एक कॉकरोच और ग्रासहॉपर का कॉम्बिनेशन जैसा लगता है। इसके 250 मिलियन ईयर्स तक के जिंदा होने का रिकॉर्ड पाया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि माउंटेन स्टोन वेटाबग -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी महीनों तक जमा रह सकता है। और इतने कम टेम्परेचर में इसके शरीर का 85% वाटर क्रिस्टलाइज हो जाता है। इतने कम टेम्परेचर में जमे होने की वजह से इनका दिमाग और दिल काम करना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है तब इनका ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाता है और इनके दिल और दिमाग फिर से चलने लगते हैं। साइंटिस्ट ने इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जैसे इन्हें 4 दिनों तक पानी में डुबोकर रखा, लेकिन ये बच गए। फिर इन्हें पानी में उबालने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से ये बच गए। तीसरा, टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड 8 पैर वाले सेगमेंटेड माइक्रो एनिमल्स होते हैं। ये पानी में रहते हैं, इसलिए इन्हें वाटर बियर्स और मोस पिगलेट्स भी कहा जाता है। ये सबसे पहले 1773 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट जोहान ऑगस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। टार्डिग्रेड का मतलब होता है स्लो स्टेपर। जो कोई भी टार्डिग्रेड को मारने की कोशिश करता है उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो एक अमर जानवर को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे लचीले जानवरों में से एक है। यही एक प्रजाति है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रहने में सक्षम है। ये कभी भी भुखमरी का शिकार नहीं होता। टार्डिग्रेड अक्सर 0.5 मिलीमीटर का होता है। इन्हें अच्छे से देखने के लिए हमें लो पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ, इमॉर्टल जेलीफिश। ये बहुत ही छोटा और एक खास तरह का जेलीफिश है। नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से इसके पास वास्तव में अपनी बुढ़ापे की प्रक्रिया को पलटकर मौत को धोखा देने का तरीका है। अगर ये जेलीफिश घायल हो या बीमार हो तो ये 3 दिनों में ही अपने पॉलिप स्टेज में वापस आ जाता है, जिससे इसके सेल्स यंगर स्टेज में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी मरते नहीं है। ये इस प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं और ये अकेला एक ऐसा जीव है जो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। पांचवा, प्लैनेरिया फ्लैटफॉर्म। इन डरावने क्रॉलर्स को रीजनरेटिंग फ्लैटफॉर्म भी कहा जाता है। ये अपने पुनर्जन्म क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने अंगों को वापस उगाने की क्षमता रखते हैं, जो कि किसी दूसरे जीव में देखने को नहीं मिलती। अगर इसके शरीर के 2 टुकड़े भी कर दिए जाए तो दोनों टुकड़े ही एक नए जीव बन जाएंगे। इनकी एक और खास बात यह है कि अगर इनकी सेल्स डेड या ओल्ड हो जाते हैं तो भी नई सेल्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।